हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में जानते हैं हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है चीन ताइवान संबंधों से संबंधित है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि चीन ताइवान चर्चा में बना हुआ है। देखेंगे ये चीन की नई नीति कौन सी आई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ताइवान और चीन की भौगोलिक स्थिति भी देख लेंगे हम, और चीन और ताइवान के जो इतिहास क्या रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और अभी इन दोनों देशों के बीच विवाद का कारण क्या बना हुआ है उसे भी देखेंगे, एक चीनी नीति का उद्भव कब हुआ उसे भी देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन विजेता बनेगा इस पर भी चर्चा करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है, और एक चीन नीति पर भारत का दृष्टिकोण क्या है हमारे भारत का उसे भी देखेंगे, यानी कि लगभग लगभग सभी पक्षों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैप्स में आपका चीन और ताइवान देख लेते हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये हो गया आपका यूरोप, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, और हमारा एशिया, एशिया में भारत हमारा ये है, देख लीजिए ये आपका भारत, ये आपके बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, चाइना ये है आपका, और ताइवान ये है, देखिए दिख रहा है, ये आपका साउथ चीन सी है, दक्षिण चीन सागर, जिस पर अक्सर आप लोग चर्चा में बना रहता है। ठीक है, ये आपका चाइना है, और यहाँ आपका ताइवान है, इसकी जो राजधानी है वो ताइपे, क्या इसकी राजधानी ताइवान की ताइपे, और चीन की क्या है बीजिंग। ठीक है, वैश्विक महामारी COVID-19 से जुड़ी जानकारी छिपाने के मुद्दे पर चौतरफा घिरा चीन अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमें ये हमारा जो COVID-19 है, यानी कि कोरोना वायरस है, इसका उद्भव होता है आपका चीन से, चीन के वुहान शहर से, लेकिन इसके बारे में जो आंकड़े थे अधिकतर आंकड़ों को चीन ने नष्ट कर दिया, जिससे हमें पता चल सकता था कि किस कारण से कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ। कई देशों की कंपनियों ने या स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जाने की अनुमति भी मांगी, जिससे प्रैक्टिकल कर सकें प्रयोगशाला में कि कहाँ से क्या हुआ है, तभी तो बारे में इसके बारे में वैक्सीन बनाई जा सकती है, तो चीन ने मना कर दिया, और चीन ने अपने यहाँ के जो आंकड़े हैं वो भी छुपाए हुए हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि चीन में 2000 करोड़, 2000 यानी कि 2 करोड़ के शायद करीब आपके लोगों की सिमें बंद कर दी गई, यानी कि सिम बंद हो गई, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि इन लोगों को हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने या लोग मर जाने के कारण बंद हो गई होंगी। तो अब चीन के भीतर भी शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं, इससे वैश्विक व्यवस्था तथा जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन का शीर्ष नेतृत्व अब राष्ट्रवाद के बहाने भारत के साथ सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहा है, साथ ही उसने ताइवान की तरफ 2 विमानवाहक पोतों को रवाना कर दिया है। चीन के इस कदम से ताइवान पर हमले की आशंका बढ़ गई है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई राजनेता स्थानीय मुद्दा दबाने के लिए या स्थानीय मुद्दे उठने लगते हैं, ठीक है, तो क्या करता है कि राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बना लेता है। आप अपने देश में देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव जब आता है या फिर विश्वास जीतना होता है जनता का, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा दीजिए, जो स्थानीय मुद्दे होंगे अपने आप दब जाएंगे। आपके यहाँ देखिए चुनाव के टाइम पर आपके यहाँ स्ट्राइक हुई, उसके बाद क्या हुआ, निचले जो भी मुद्दे थे सब बंद हो गए, राष्ट्रवाद उभर के आया और नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला, समझ सकते हैं, क्योंकि हर
आदमी, देश का कोई भी नागरिक हो एंड भूख से मर रहा हो, लेकिन वो राष्ट्रवाद को मत जरूर देता है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा हथियार होता है लोगों के हाथ में। ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक नौसैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में अपने विमानवाहक पोत तैनात कर दिया। वैश्विक महामारी COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के बीच ताइवान दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच तनाव का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इसके साथ ही ताइवान के विश्व स्वास्थ्य सभा में शामिल होने के प्रयास से भी चीन को झटका लगा है। और आप भी देख रहे होंगे, अमेरिका भी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा ईरान में उसने जो कदम उठाए उससे भी कुछ नहीं मिला है अमेरिका को, अफगानिस्तान में जो कदम उठा है उससे भी कुछ नहीं मिला है, ठीक है? तो अब 2020 में आपके चुनाव भी है अमेरिका में, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हें हर जगह हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ताइवान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हम लोगों ने देख लिया है, ये आपका चाइना हो गया, ये आपका ताइवान हो गया, ताइपे, फिलीपीन सी, ये है आपका साउथ चाइना सी। ताइवान पूर्व एशिया का एक द्वीप है। यह द्वीप अपने आसपास के द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है। इस गणराज्य का मुख्यालय है ताइवान द्वीप। याद रखिए, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यह मुख्य भूमि चीनी जन गणराज्य या फिर PRC का अंग रहा है, परंतु इसकी स्वायत्तता व स्वतंत्रता को लेकर चीनी जन गणराज्य और चीनी गणराज्य, जिसे अब ताइवान के नाम से जानते हैं, के बीच विवाद है। ताइवान की राजधानी ताइपे एक वित्तीय केंद्र भी है जो ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है। ताइवानी लोग अमाय, स्वातो और हक्का भाषा बोलते हैं। मंदारिन राजकारियों की भाषा है यहाँ की ताइवान की। चीन और ताइवान के इतिहास की बात करें हम लोग, तो चीन के प्राचीन इतिहास में ताइवान का उल्लेख बहुत कम मिलता है, परंतु प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ज्ञात होता है कि तांग राजवंश 618 से 907 ईस्वी के समय से चीनी लोग मुख्य भूमि से निकलकर ताइवान में बसने लगे थे। वर्ष 1624 से 1661 तक चीन एक डच यानी कि वर्तमान नीदरलैंड का उपनिवेश था। 17वीं शताब्दी में चीन में मिंग वंश का पतन हुआ और मांचू लोगों ने चिंग वंश की स्थापना की। वर्ष 1683 से 1895 तक मुख्य भूमि चीन पर ताइवान का शासन था। वर्ष 1895 में जापान ने पहला चीनी जापानी युद्ध जीता और युद्ध के बाद ताइवान जापान के नियंत्रण में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद पार्ट्स डैम 1945, काहिरा 1946 की घोषणाओं के मुताबिक ताइवान पर राष्ट्रवादी कोमिंग तांग पार्टी का अधिकार फिर से मान लिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगले कुछ वर्षों में चीन में हुए गृह युद्ध से माउथ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई से के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमिंग तांग पार्टी को पराजित किया। कम्युनिस्टों ने हार के बाद राष्ट्रवादी कोमिंग तांग पार्टी से ताइवान में अपनी सरकार बनाई। वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि के अनुसार जापान ने ताइवान से अपने स्वाधिकारों को समाप्त यानी कि घोषित कर दिया। वर्ष 1952 में ताइपे में चीन जापान संधि वार्ता हुई, किंतु किसी भी संधि में ताइवान पर चीन के नियंत्रण का कोई संकेत नहीं किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग विवाद के कारण क्या है इसमें। एक देश दो प्रणाली, डेंग सियाओपिंग द्वारा वर्ष 1970 के आसपास देश के शासन की बागडोर संभालने के बाद एक देश दो प्रणाली वन कंट्री टू सिस्टम
नीति प्रस्तावित की गई थी। डेंग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य चीन और ताइवान को एकजुट करना था। इस नीति के माध्यम से ताइवान को उच्च स्वायत्ता देने का वादा किया गया था। इस नीति के तहत ताइवान चीनी संप्रभुता के अंतर्गत अपनी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का पालन कर सकता है, एक अलग प्रशासन चला सकता है और अपनी सेना रख सकता है। हालांकि ताइवान ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। फिर आपका एक चीन चीन नीति या चीन के उस पक्ष का कूटनीतिक समर्थन है कि विश्व में सिर्फ एक चीन और ताइवान चीन का एक एक ही हिस्सा है। एक नीति के तौर पर इसका अर्थ है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीनी जनगणराज या फिर PRC जो चीन का मुख्य भूभाग है से कूटनीतिक संबंधों के इच्छुक देशों को रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंध तोड़ने होंगे। इस नीति के तहत अधिकांश देशों के औपचारिक संबंध ताइवान के बजाय चीन के साथ हैं। ताइवान को चीन अपने से टूटकर अलग प्रदेश बनाता है जो एक दिन मुख्य चीन में मिल जाएगा। यद्यपि ताइवान की सरकार यह मानना जो ताइवान में सरकार है उसका मानना है कि यह एक स्वतंत्र देश है जो औपचारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, लेकिन इस नीति एक चीन नीति के कारण ताइवान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पृथक पड़ गया है। अब बात करते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, ये भी आपका अक्सर चर्चा में बना रहता है। सर्वप्रथम वर्ष 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कोमितांग सरकार ने 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत किया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 11 डैश लाइन को अब 9 डैश लाइन यानी कि दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएं के नाम से जाने जाता है। 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन के कारण दक्षिण चीन सागर में दावेदारी को लेकर चीनवाद ताइवान के बीच अक्सर विवाद भी होता रहता है। एक चीन नीति का उद्भव कैसे हुआ उसे भी देख लेते हैं हम लोग। इस नीति की शुरुआत 1949 से होने लगी थी जब चीनी गृह युद्ध के पश्चात हारी हुई सत्ताधारी राष्ट्रवादी पार्टी जिसे कोमितांग भी कहा जाता है ताइवान लौटी और चांग काई सेक के नेतृत्व में वही रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई, जबकि जीते हुए साम्यवादियों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। दोनों पक्षों ने यह दावा किया कि वे पूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब से चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट दल ने यह धमकी दी कि अगर ताइवान स्वयं को कभी भी औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करता है तो वह उस पर बल प्रयोग करेगा, लेकिन हालिया वर्षों में उसने इस द्वीप के साथ नरम कूटनीतिक तरीकों को अपनाया है। किसने? चीन ने। शुरुआत में अमेरिका समेत कई देश साम्यवादी चीन के बजाय ताइवान को तरजीह देते रहे थे, लेकिन कूटनीतिक रोक तब बदलने लगा जब 1970 के दशक की शुरुआत में चीन और अमेरिका ने रिश्ते बनाने की पारंपरिक आवश्यकताओं को समझा। उसके बाद अन्य देश बीजिंग के पक्ष में ताइपे यानी कि ताइवान की राजधानी से रिश्ते तोड़ने लगे। ठीक है, हालांकि अब भी कई देश ताइवान के साथ व्यापार कार्यालयों और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं, और अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और व्यापार का मित्र देश भी है क्योंकि साउथ सी दक्षिण चीन सागर में वही तो देश है जहां से अमेरिका नियंत्रित कर सकता है चीन को। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन विजेता बनेगा आखिर। बीजिंग अपने दावों को मजबूती से आगे बढ़ाने में सक्षम रहा है और इस नीति से उसको सबसे अधिक फायदा हुआ है जिससे ताइवान कूटनीतिक रूप से कमजोर हो गया। पूर्व में ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा था,
शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन मिला था, परंतु फिर हालत एकदम से बदल गई। ताइवान के लिए वर्ष 1971 के बाद से चीजें बदलने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और यह कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटना होगा। वर्ष 1971 चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा हो गया। वर्ष 1979 में ताइवान की संयुक्त राष्ट्र से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई। तब से ताइवान का पतन शुरू हो गया। विश्व के अधिकतर देशों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्रवाद द्वारा भी ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अब विश्व भर में केवल 16 देश ही आपके ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर की 5 छोटी द्वीपीय देश शामिल हैं। भारत ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, याद रखिए इसे। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका क्या है इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान का महत्वपूर्ण मित्र और सहयोगी माना जाता है, परंतु वर्ष 1970 में आर्थिक प्रगति के बाद अमेरिका नए बाजार तलाश रहा था। उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ थी, जबकि ताइवान महज 1 करोड़ के आसपास था। ऐसे में अमेरिका कॉरपोरेट चाहते थे अमेरिका चीन को मान्यता दे, तो इस तरह से ताइवान यहाँ कमजोर पड़ गया, क्योंकि जहाँ उस समय अमेरिका आपका जहाँ जनसंख्या अधिक थी ऐसी जगह चुन रहा था, तो उसने चीन को महत्व दिया उसने। अब बात करते हैं ये चीन नीति पर भारत का दृष्टिकोण क्या है आपका। चीन के कई पड़ोसियों की तरह भारत ने भी हालिया वर्षों में चीनी विदेश नीति के अधिक स्वीकारात्मक और राष्ट्रवादी विचार को ही अपनाया है। इन द्विपक्षीय संबंधों में कई बार घर्षण उत्पन्न हुआ है, जैसे विवादित सीमाओं पर चीन द्वारा भारत में घुसपैठ करना, पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को रोकने की चीन के प्रयासों के बाद, और भारतीय प्रधानमंत्री एवं दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा, जिसके अधिकतर हिस्सों को चीन द्वारा दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है। आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा हिस्सा है, इस पर भी चीन अपना दबदबा अपनाता रहता है, बताता रहता है। हाल ही में ताइवान से तनाव के क्रम में चीन ने भारत से एक नीति का समर्थन करने की अपील की। भारत को इस स्थिति में चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए विवश करना होगा, समझ सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी आपकी चीन और ताइवान संबंध की और एक चीनी नीति की, ठीक है। लगभग लगभग आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे।